फिलहाल असि आ गए जलिया वाले बाग च। जलिया वाला बाग मतलब फिर तो बढ़िया गया, फिर तो नए तरीके से बने गए। मैं तुम छोटे छोटे क्लिप्स पाऊंगा कि किदा दी एंट्रेंस चेंज हो गई है, फर्क बहुत आ रहा है। जी हैगी है एंट्रेंस है जलिया वाले बाग की, बिल्कुल बिल्कुल नवे तरीके बने, हूँ ही बनाया गया है। तो यह एंट्रेंस है, मतलब वो गेट तो क्रॉस करके ऐदा का कोई नज़ारा हैगा। ऐदा की पुरानी बिल्डिंग हैगी, है सब कुछ बिल्कुल नवे तरीके तो बने गया सारा। देख सकते हो तुम सारा जलिया वाले बाग बनया हुआ है। हूँ जलिया वाले बाग के एंट्रेंस के एंट्रेंस एंटर कर चुके हैं, तुम एंट्रेंस का पैसे दिखाता है। इन्होंने थोड़ा जहा रेनोवेट किया, तो हूँ इन्होंने बिल्डिंग भी जी है रेनोवेट की सारी। मैं तुम अंदर जाके दिखाना मतलब किदा का माहौल बनया हुआ है। एंट्री गेट हैगी है, उत्ते थिएटर हैगा। थिएटर एक बार चढ़ते हैं सीढ़ियाँ उत्ते, देखते हैं भाई थिएटर किदा का बनया हुआ है। बड़ी सीढ़ियाँ बढ़िया है कि चक्कर हो गया। थिएटर का रस्ता हैगा, थिएटर आ गए असि। एक मेरे ख्याल न पुराने जमाने हुए होगी एंट्रेंस ही होगी। थिएटर बनया हुआ है, थिएटर मैं दिखाता है, लोग बैठ के आराम नाल वेख सकते हैं कि है रहा। बाकी हम थले जाने तो तुहानू होर दिखाने, ऐसे वड्डा जिहा हैगा बहुत। है जी इतिहास लिखा हुआ है जलिया वाले बाग का। सारा बढ़िया हुआ है, सारा इतिहास लिखा हुआ है, सारा है। तो है एग्जिट का गेट, सू दिखाता है छोटा जहा कि आप इधर पैसेज क्रॉस करके अगे आने तो टूवर्ड लैफ्ट साडा एक थिएटर बनया हुआ है। थले छोटी स्क्रीन लगी हुई है, उत्ते वड्डी स्क्रीन लगी हुई है। तुसी वेख सकते हो कि मतलब जो भी होया सी इधर एक इन्होंने बनाई हुई है वधिया जी रिकॉर्डिंग जी बनाई हुई है। उत्ते वधिया बैठ के बंदा इंजॉय कर सकता है फैमिली ने, जो वड्डी फैमिली आए थे। तो थले छोटी स्क्रीन लगी हुई है, थले इतिहास लिखे हुए, सब कुछ लिखे हुआ है। तो असं अगे जाइए तो अगे पैसे जाना ने बनाया सोना जहा, मैं दिखाना तुम्हें। है देखो जी जे असि अगे तो पैसे चाहते हैं तो यह सू दिख जाता है पुरानी इमारत। भी हॉल है जी कोई, है देखो जी है लिखा हुआ है सारे है इंडिपेंडेंस तो पहले सत्यग्रह और अंग्रेजी दमन। पहली एंट्रेंस होगी, इन्हू बाहर निकलेंगे। दूजी एंट्रेंस हैगी है हॉल दी, इधर भी लाइटिंग शो दे ही है। डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को रोशन किया। लाइट शो गांधी जी जो फिर पंजाब का रुख कर चुके हैं। देखो जी थर्ड हॉल लगा, Dyer left the ghastly sight, leaving behind her dead and the injured without an iota of remorse. It was the darkest night that Amritsar had ever seen. For more than 24 hours, the injured lay unattended, without water or any aid. What a gruesome sight.
जब असि पहले थिएटर तो बाहर आने ना तो लैफ्ट साइड में साढ़े पैसे है पैसे में सीधा सीधा चलते रहिए ना तो थोड़े लैफ्ट साइड से पहले आंदा पहला हॉल तो पहले हॉल के दिखाते हैं कि मैं विक्टोरियन लॉ जोड़ा है वह पास करते हैं फिर वह पास करन तो बाद फिर दूजा हॉल है दूजे हॉल च दिखाते हैं कि किवें गांधी जी पंजाब के वाल चल पिया की होया उस वेले टाइम के थर्ड के दिखाते जेनोसाइड जिद लोगों गोलियां ना मारता सी ते ऐ थ्री हॉल से दिखाए जी थर्ड डिपिक्शन सी वो वधिया मतलब जी सैकेंड डिपिक्शन सी वो वधिया सी थोड़े थ्री डी दे विच सी लाइटिंग लूटिंग सी पहला हॉल दे विच वधिया बनाया बंदे सिटिंग हैगी है और ए सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐदा पैसे पूसे नहीं मंग रहे ठीक है सारे फ्री विच साडी इतिहास दस रहे ने बाकी तुहानू मैं हुण वैल दिखांदा खूह दिखांदा जिहदे विच लोग कूद गए सीगे अपनी जान बचाने के चक्कर दे विच लेकिन बचिया कोई नहीं सीगा तुहानू मैं एक दिखा दिंदा है देखो जी खूह हैगा थले बंदे सारे कूद गए सी अपने आप की सेफ्टी वास्ते ते इस तो अगे जावांगे फिर ए बिल्डिंग आ जाती है इत्थे गोलियां दे निशान हैगे एज अ प्रूफ जिन्हां नूं हाईलाइट करके रखा गया देख सकते हो पुरानी बिल्डिंग ते भी गोलियां दे निशान हैगे है बाकी इधर थोड़ी डिपिक्शन हैगी है देखो हाईलाइट किया हुआ सारा हाईलाइट किए हुए ने ते वैल तो असीं अगे चलते ना तो एक वॉल हैगी जिहदे उत्ते बुलेट्स के निशान है तो वो नाल ही फिर दूसरे पास से आओगे तो नाल ही एक होर हॉल बने जिंदा गैलरी नाम लिखे हुआ इन्होंने तो गैलरी जाके देखते हैं कि सीन है की हिसाब है अंदर का बाकी गैलरी है तो मोस्टली फोटोज होगी देखते हैं देखो जी गैलरी आ गई गैलरी आ गई है सारी गैलरी है अजे एंट्री करते हैं फिर देखते हैं किदा का बनेगा Animation would you like to fire the machine gun? I think probably yes. In that case, the casualties would have been very much higher. असल दे विच गैलरी दे विच हैगा कि मैं वैसे फटाफट कोशिश की सानू पूरा दिखावा लेकिन मैं समझ लिया उतलो उतो जी की हैगा कि जब डायर ने गोलियां दा चलाने का हुक्म देता सीगा ना तो उस तो बाद दुनिया भर च एक खबर फैल गई सी ते डायर नू फड़ लिया गया सीगा ते फिर डायर नू बेल किद्दां मिली उहदी डिपिक्शन दित्ती हुई है इधर मतलब दस्सिया होया कि भाई उन्हें किदा अपना बयान दिता उ सारी हिस्ट्री लिखी हुई है अपनी उन्हों की मतलब किदा किदा डिपिक्शन सी ते किदा उन्हों बेल मिली किदा लोगों के चर्चित हो गई सी गल किदा गल नू खम लग के उड़ के सारे लोगों को पता लग गया सीगा कि ऐदा सब कुछ होया जलियांवाले बाग दे विच ते किदा लोगों नू गोलियां नाल मारिया गया ते सारा जिहड़ा हैगा रीक्रिएट किया गया मतलब पहले उस तरह नहीं सीगा थोड़ा चेंज सीगा हुण इहनू फिर तो चेंज कर लिया गया जिहड़ी एंट्रेंस सीगी उहनू चेंज कर दिता गया उधम सिंह की मूर्ति भी सीगी इधर जो मैं दिस नहीं रही बाकी मैं तुहानू इधरों दिखाना एक मोन्यूमेंट टाइप जिहा बणिया होया इधर उह दिखा दिंदा ऐ देखो जी ऐ मोन्यूमेंट बनाया होया छोटा जिहा नाल ही हैगा नाल एक छोटी जी बिल्डिंग और भी हैगी है जिहदे विच वैसे ओवरऑल देखे जाए तो जलियांवाला बाग बड़ा बहुत हैगा तुहानू अगे भी दिखाना की हैगा असीं वड्डे वड्डे होए मोन्यूमेंट जिहड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैगा उस तों अगे जांदे आ ना
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਾਲਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ।